अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। सो गाइस, आई होप सो कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको जमान में रखे और अल्लाह ताला अपनी तमाम ब्लेसिंग आप सब पे अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। सो गाइस, आज का व्लॉग बस छोटा सा है। दिस इज़ एक्चुअली अ ट्रैवल व्लॉग। तो गाइज़, एज़ एवरीबडी नो कि मेरी खाला की शादी थी और खाला की शादी अटेंड करने के बाद एक वीक के स्टे के बाद आज हम वापस जा रहे हैं। वी आर बैक टू आर स्वीट होम फ्रॉम विहारी टू लाहौर। सो आज एक ट्रैवल व्लॉग में बस मैं यही शेयर करना चाह रही हूँ कि हम घर वापस जा रहे हैं। तो जो विहारी का ट्रिप था बहुत अच्छा ओवरऑल रहा। बहुत सबने मोहब्बत दी, सबने बहुत प्यार किया, बहुत मेहमान नवाजी दी, तो बहुत अच्छा लगा। बिकॉज़ हम लोग आफ्टर वन ईयर आए थे शादी अटेंड करने के लिए, तो बहुत अच्छा लगा। और आप देख सकती हैं कि अलाया कभी आगे बैठ जाती है अपने बाबा के पास और कभी पीछे बैठ जाती है। बस आपको पता है छोटे बच्चों का यही होता है कि वो एक जगह पे टिक के नहीं बैठ सकते, और ख़ास तौर पर अगर अलाया की बात हो तो वो एक जगह पर टिक के नहीं बैठ सकती। ठीक है, तो बस ऐसे ही हमारा ट्रैवल गुजर गया। लेकिन जैसे जाते हुए हमें ऑल अप्रोक्सीमेटली 6 आवर्स लगे थे, वो भी इस वजह से क्योंकि हमें अपनी कज़न को पंजाब यूनिवर्सिटी से पिक करना था, फिर हमें विहारी के लिए निकलना था। ठीक है, ये है तो हमारा मोटरवे का ट्रैवल, तो बट फिर भी हमें, आपको पता है लाहौर में कितनी ज़्यादा ट्रैफिक होती है, वहाँ पे हमें कुछ टाइम लगा। और वापसी पे भी हमें कज़न को ड्रॉप करना था पंजाब यूनिवर्सिटी, तो इसलिए भी हमें 7 आवर्स का टाइम लग गया। हालांकि हम लोग अगर घर से जाएं विहारी तो अप्रोक्सीमेटली 4 आवर्स, हमें 4.5 आवर्स की टाइमिंग लग जाती है। ठीक है, तो लेकिन इसमें क्योंकि हमें पहले कज़न को ड्रॉप करना था, फिर उसके बाद हमें वापस आना था, तो इसलिए हमें इतना ज़्यादा टाइम लग गया। और अलाया अपनी बाबा के पास अपने फेवरेट पिलो के साथ बैठी हुई है, और आपको पता ही है इतना लॉन्ग ट्रैवल के साथ बच्चे बहुत ज़्यादा थक जाते हैं, बच्चे क्या बड़े भी थक जाते हैं। और बिल्कुल ऐसे ही बहुत थका देने वाला एक सफ़र था, और लेकिन अच्छी मेमोरीज़ के साथ हम घर वापस आ गए। तो ओवरऑल मेहंदी, बारात और वलीमा के फंक्शन में सबसे ज़्यादा जो मैंने फंक्शन इंजॉय किया था, मैंने और मेरी सिस्टर ने, वो मेहंदी का फंक्शन था। क्योंकि आपको पता ही है मेहंदी के फंक्शन में आप घर में ही रेडी होने के बाद आप अच्छे से इन्जॉय कर सकते हैं, और आपको पता ही है मेहंदी का फंक्शन वो फंक्शन है जो सबसे ज़्यादा इन्जॉय किया जाने वाला फंक्शन होता है, क्योंकि इसमें हल्ला गुल्ला और खूब रौनक और उस तरह से होता है ना, तो बहुत इन्जॉयबल एक फंक्शन है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो इसमें हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया था। देन बारात और फिर उसके बाद वलीमा। वलीमे के लिए हमें क्योंकि आउट ऑफ सिटी जाना पड़ा, आई थिंक इट्स चीचावती, यस। और एक चीज़ का मैं एक्सक्यूज़ करना चाहती हूँ कि मैंने अपने वलीमा व्लॉग में चीचनिया कह दिया था, इट्स नॉट चीचनिया, इट्स चीचावती। ठीक है, तो ये विहारी से और अप्रोक्सीमेटली 2.5 आवर्स की ड्राइव पे है, तो हमें 2.5 आवर्स का ट्रैवल करना पड़ा था। तो चीचावती हम लोग वलीमा अटेंड करने के लिए गए थे, तो बहुत बहुत अच्छा वहाँ का जो था, हर चीज़ बहुत अच्छी थी, बहुत इन्जॉय किया। बट वही बात आ जाती है जब आप ट्रैवल करके कोई फंक्शन अटेंड करते हैं तो बहुत थकावट भी हो जाती है, लेकिन ओवरऑल बहुत अच्छा रहा। ठीक है, तो बाकी फंक्शन वगैरह अटेंड करने के बाद जब आप घर आते हैं तो घर आने की जो फीलिंग्स होती है वो तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत होती हैं, क्योंकि इस चीज़ को आप कहीं भी चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, बहुत अच्छी से अच्छी जगह पे चले जाएं, लेकिन आपका जो घर का है, जो घर की एक सुकून और इत्मीनान है, वो कहीं भी आपको नहीं मिल सकता। सो वी आर बैक टू होम, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ओ एट द एंड ऑफ द वीडियो, घर एक जन्नत है, बेशक बेशक बेशक।
और बहुत सारा सपोर्ट करें. लव यू ऑल. अल्लाह.